नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान भाषा में। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के ये तीसरा वीडियो है। पहले हम लोगों ने बताया कि कैसे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आप लोगों को सभी चीजें यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी। उसके बाद स्लॉट बुकिंग को लेकर के भी मैंने आपको एक वीडियो बताया था। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे, जिसका लर्निंग लाइसेंस बन के आ गया है, जैसे ये लर्निंग लाइसेंस बन के आ गया है, तो ये लर्निंग लाइसेंस बन के आ जाने के बाद आगे हमारा क्या प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया है, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अपलोड करना है और ये पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है। इसके बाद हम लोग जब ये प्रोसेस आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ब्लॉग को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग होगा कि जब हम लोग डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग कर लेते हैं, तो जब हम लोग स्लॉट बुकिंग करके आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो वहां हमारे से क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, किस तरह से मांगा जाएगा और डीएल टेस्ट में हमें से क्या करवाया जाएगा, किस तरह से हम लोग वहां पे टेस्ट देंगे, इसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएल के लिए अप्लाई करने के तरीके जो है एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो ये वीडियो को स्किप मत करिए, चलिए कंप्यूटर पे जानते हैं कि हम लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस के आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे पेमेंट करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल आसान भाषा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग parivahan.gov.in पे हम लोग जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं parivahan.gov.in है, इसको मैं हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जो है सारथी के होम वेबसाइट पे आ गए हैं, sarthi.parivahan.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब हमारा लर्निंग लाइसेंस आ गया है तो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 स्टेज में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। पहला स्टेज होता है आपका एप्लीकेशन का डिटेल फिल करना, जो कि हम लोगों ने पिछले बार लर्निंग लाइसेंस के टाइम जब हम लोग लर्निंग लाइसेंस बना रहे थे तो उस टाइम पे हमने अपना एप्लीकेशन जो है डिटेल्स फिल किया था, ठीक है। उसी तरह से जब आप अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालेंगे और सबमिट जब करेंगे तो आपका पुराना एप्लीकेशन डिटेल खुल के आ जाएगा। बस आपको एक बार चेक कर लेना है, वो पहले से भरा हुआ होगा और बस चेक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हम लोगों को ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पिछली बार लर्निंग लाइसेंस के टाइम में इसको फिल कर दिया था। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारा आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। उसके बाद हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो और साइन इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे कि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि फ़ोटो साइन जो है आरटीओ ऑफिस में नहीं हो करके आप लोगों को खुद अपलोड करना होता है स्कैन करके, ठीक है। वो सम स्टेट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है अप्लीकेबल फॉर सम स्टेट्स, बहुत कम स्टेट के लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके में वो ऑप्शन आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग, ये भी बहुत सारे स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग, ठीक है, मगर हमारा यहाँ झारखंड में ये स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है तो हम लोग स्लॉट बुकिंग भी करेंगे। उसके बाद पाँचवा नंबर पर आता है फीस पेमेंट। फीस पेमेंट जो हमारा होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो पेमेंट करना है और पेमेंट को वेरीफाई करवाना है और वेरीफाई करवा करके प्रिंट रिसिप्ट, रिसिप्ट प्रिंट कराने के बाद जिस दिन का हमारा स्लॉट बुकिंग होगा हम लोग टेस्ट के लिए जाएंगे और टेस्ट दे करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नंबर डालना है। देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वीडियो को मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि एक एक चीज़ मिस हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट में फिर अब पूछोगे। तो मैं यहाँ पे आप अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा करना क्या है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर देखने के लिए है।
अब यहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर डालना है, तो लर्निंग लाइसेंस नंबर आपको ऐसे नहीं डालना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर इस डिजिट में दिया हुआ है, जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो RJ14, उसके बाद लर्निंग लाइसेंस नंबर और ईयर जो होता है लास्ट में होता है, तो आपको ये यहाँ पर नहीं डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका स्टेट का कोड, जैसे राजस्थान है तो RJ, UP है तो UP, झारखंड है तो JH, वो डालना है, और आपका जो स्टेट का नंबर होता है, जो आपका लाइसेंस में जो भी नंबर दिया हुआ है 10 है या फिर 14 है 17 है जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा मान लीजिए JH और यहाँ पे 10। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको कॉलम नहीं देना है, उसके बाद एक बार आपको स्पेस दबाना है, उसके बाद आप यहाँ पे हाइफ़न देंगे, और उसके बाद आप अपना जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो दबाएंगे, फिर हाइफ़न देंगे और लास्ट में ईयर, ये ऐसे आपको इसको डालना है, नहीं तो आपका जो है यहाँ पे आप इंटर नहीं लेगा, फिर आप वापस जो है मुझे कमेंट में पूछेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए, JH10 दबाने के बाद, यानी आपका स्टेट कोड और आपका डिस्ट्रिक्ट कोड दबाने के बाद एक बार स्पेस दबाना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका वहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल खुल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने एक बार एप्लीकेशन डिटेल जो है फिल कर लिया है और मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। ठीक है, जब आप ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लेते हैं तो दोबारा से आप यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नंबर डाल करके नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन के थ्रू जाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार अपना एप्लीकेशन जो है वेरीफाई कर लिया है, मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डाल करके जब ओपन किया था तो वहाँ पे क्या दिखा रहा था, वहाँ पे मेरा जो भी मैंने लर्निंग लाइसेंस के टाइम पे फिल किया था जितने भी डिटेल्स आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो डिटेल्स सिर्फ दिखता है, आपको एक बार वेरीफाई करके ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वो हमारा जो है खुल वहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिनका जिनका ये प्रोसेस हो जाता है, उनको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, वो कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा आपको फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन खुल के आ गया है। ये मेरा एप्लीकेशन नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एप्लीकेशन डेट और यहाँ पे मेरा DTO का जो एड्रेस है वो दे रहा है, फादर नेम, ये सब आपको दिखेगा। आपको कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप या फिर एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला स्टेज जैसा कि मैंने बताया था कंप्लीट मैं कर चुका था, फिल एप्लीकेशन डिटेल्स जो है DL के लिए, तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना ले, परेशान ना हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करके ओके करना होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो चलिए हम लोग अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या मांगता है देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से हमारा एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और सबमिट करेंगे हम लोग इसको। सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से देखिए लिखा रहा है इशू फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, जो मैंने कैटेगरी ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे चुना था लर्निंग लाइसेंस के टाइम पे वो दिख रहा है, ओके करेंगे। यहाँ भी ओके करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोगों को देना है, तो हम लोग यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस देंगे। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप आधार कार्ड या लर्निंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको दे देना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर में आप लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो आपका लर्निंग नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लर्निंग नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर के आपको कुछ नहीं ज़्यादा भरना है, कोई स्टार मार्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करिए और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना लर्निंग लाइसेंस जो है यहाँ पर आप अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लर्निंग लाइसेंस है, हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जब आपका लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड करना होता है, लर्निंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ हो। मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमारा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप जो आता है हमारा फ़ीस पेमेंट का आता है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कितना फ़ीस लगता है। चलिए फ़ीस पेमेंट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। फ़ीस हमारा यहाँ पे टोटल जो है 1400 लग रहा है, यानी 1400 रुपया लग रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। झारखंड में अभी 1400 रुपया जो है यहाँ पे रेट है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ गेटवे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा जो है वो फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद पेमेंट फॉर प्रोसीड करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये जो है पेमेंट रीडायरेक्ट करेगा, और आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे का बैंक भी यहाँ पे ऐड है, जैसे कि आप देख सकते हैं PNB और SBI। इनमें से अगर कोई दो आपका है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे SBI हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है पेमेंट कर लेना है। एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड पे फॉर पेमेंट करने के बाद ये पॉपअप आया, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, यस ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको ये रिडायरेक्ट करेगा, आपको आपके बैंक का जो वेबसाइट है उसमें आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन, आप अपने यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है वो फिल कर लीजिए, या फिर जैसे भी आपको पेमेंट करना है आप कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आगे बताते हैं। दोस्तों फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब ये वापस रीडायरेक्ट करेगा सारथी के वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस सारथी के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट रिसीव यहाँ पे लिख करके आ रहा है, 1400 रुपया सक्सेस स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके प्रिंट को, रिसीप्ट को प्रिंट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हमारा आ गया है, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट सेव हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्लॉट बुकिंग करेंगे, ठीक है। जब हम लोग वापस से कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो भी जनरेट हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है, और कैप्चा फिल करके वापस से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा रह गया है स्लॉट बुकिंग। स्लॉट बुकिंग को लेकर के मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि आप जल्दी से, बहुत सारे स्टेट में क्या होता है स्लॉट बुकिंग बहुत कम हो पाता है, तो ऐसे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा कर के देख सकते हैं कि आपको फटाफट से कैसे स्लॉट बुकिंग करना है, उसके लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमारा स्लॉट बुकिंग ऑप्शन आ रहा है। एप्लीकेशन नंबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक फिल है, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, और यहाँ पे हमको अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है स्लॉट बुकिंग अलाउड ओनली ड्यूरिंग 8 PAM एंड 20 PM फॉर DTO धनबाद एज स्टिपुलेटेड RTO अथॉरिटी, प्लीज ट्राई ऑन ड्यूरिंग अबव द पीरियड। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे स्लॉट बुकिंग जो है मंडे को छोड़ करके बाकी सभी दिनों होता है। तो आज मंडे है तो आज हमारा यहाँ पे स्लॉट बुकिंग नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे तो स्लॉट बुकिंग के लिए मैं आपको एक बार और ट्राई करके बता दूंगा। ऐसे मैंने पहले भी स्लॉट बुकिंग के लिए वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग का जो आने वाला है वो आने वाला है कि जब हम लोग DL टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ में क्या क्या होता है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा, ये ब्लॉग होगा, हम लोग RTO में जब जाएंगे तो वो ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, और कहाँ पे हम लोगों को कैसे टेस्ट देना होता है, टेस्ट में क्या पूछा जाता है, ये मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा। तो आगे हम लोग एक ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी स्टेप होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में जाना कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन को फिल करेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया
आया कि लर्निंग लाइसेंस फिल करने के बाद जब हम लोग RTO जाते हैं तो वहाँ पे किस किस तरह के चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है, कैसे हम लोगों का जो है वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे लगता है, सभी चीज़ें मैंने पहले के वीडियो में बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाइए हमारे चैनल पे और एक बार वो वीडियो देखिए, आपको आसान भाषा में जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है। और अगला आने वाला वीडियो हमारा है ब्लॉग, जो कि हम लोग ब्लॉग में बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस RTO में जाने के बाद टेस्ट में क्या मांगा जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और आगे हम लोगों को क्या करना होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।